बाजार जिला के सुहेला गांव ले लगे रानी जरौत पंचायत के सचिव ला हटाए बर रायपुर म धरना देहल परत हे। मुख्यमंत्री ले शिकायत होए के बाद भी सचिव के बदली नहीं हुआ थे। गांव के लोगन पंच सरपंच मन सचिव ले हलाकान हो गए हे। सिमगा के रानी जरौत गांव के पंचायत सचिव देवेंद्र सेन ऊपर मनमानी करे और पंचायत म नहीं आए के सेती ओखर शिकायत जनपद पंचायत सिमगा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बलौदा बाजार कलेक्टर ला करे गईस, लेकिन ओखर बदली नहीं हुई। सचिव के लापरवाही के सेती सरकार के योजना के लाभ लोगन तक नहीं पहुंच पाते। गांव के लोगन पंच सरपंच और जनप्रतिनिधि मन रायपुर में 24 नवंबर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करे और राज्यपाल ला ज्ञापन दिए के बात कहीं, अब ये हड़ताल तब तक चलही जब तक सचिव के बदली नहीं हो जाही। कभी आता है कभी नहीं आता है, ये मनमानी करता है। गांव के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, इसके वजह से मैं सचिव को स्थानांतरण करना चाह रहा हूं। इसका आवेदन जनपद सीओ और कलेक्टर को दिया और नहीं होने के उपरांत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया हूं। राजनीतिक संरक्षण तो लगता ही है करके तभी सचिव का स्थानांतरण रुका हुआ है। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, राजभवन के सामने समस्त पंचों और ग्रामीणों के साथ राजभवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठेंगे 24/11/2021। अभी तक विधि पूर्वक ग्राम पंचायत का भली भांति पूर्वक और निष्ठा के साथ मैं अपना दायित्व का निर्वहन किया हूं, और सरपंच अपना चाहे निजी स्वार्थ के कारण करे या फिर कुछ भी करे, समय बद मैं ग्राम पंचायत की मीटिंग और ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित करता हूँ। मेरे मन में किसी पंच के लिए, ना ग्रामवासी के लिए, ना सरपंच के लिए कोई द्वेष नहीं है। जो जहाँ तक भी वो शिकायत कर रहे हैं वो माननीय हमारे सरपंच महोदय का विवेक ऊपर। मेरे इसमें पंच लोगों का हस्ताक्षर में सरपंच का योगदान है या पंच लोगों का योगदान है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और जिस दिन मेरे स्थानांतरण का मेरे उच्च अधिकारियों का जब भी आएगा जहाँ पर मेरा पदस्थापना करेगा वहाँ पर मैं सहर्ष रूप से तैयार हूँ।